अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। ये मेरा अमरदास का ट्री है जो पॉट में लगा हुआ है। इसको सेल्स का सबसे पहले स्केल्स का अटैक ही इसको हुआ था और काफ़ी ख़त्म करने के बावजूद अभी भी हो रहा है और न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसको मैं आज हार्ट प्रून भी कर रही हूँ और इसकी रूट्स के साइड से इसको गोडी करके खाद भी डालने लगी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि देखें लीव्स को वैसे भी साफ़ करना स्केल्स के लिए नहीं है। स्टेम्स को तो मैं फिर कर दूँगी, ये मैंने किया भी था प्रून, मगर अब मैं इसको भी कट कर रही हूँ। ये रिस्क है, ग्रो कर गया नहीं किया तो नहीं, मगर रिस्क मुझे लेनी पड़ेगी। ये मैं सारे इसको कट कर रही हूँ ताकि सिर्फ स्टेम्स को क्लीन करूं और होपफुली यहाँ से इसके न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गए, क्योंकि हर जगह पर मलतास के फ्लावर्स आ रहे हैं और ये सीजन पे नहीं है। अब मैं आपको ज़रा यहाँ से अपने पौधे हटाऊं, फिर दिखाती हूँ। अब ये है, मैंने इस पर खाद डाली थी स्प्रिंग में, लेकिन इस मैंने आपको बताया कि मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, तो मैं यहाँ साइडों से सारी इसकी मिट्टी रिमूव कर दूंगी इस तरीके से। इसको पहले है ही अच्छा खासा लूज है, ऊपर राइस हस्क मल्चिंग भी हुई थी, ऑर्गेनिक मैटर भी है, लेकिन ये साइडों से मैं सारी मिट्टी इसकी रिमूव करके नीचे नीचे तक रूट्स को करके और फिर इसमें मिट्टी डालूंगी। ये मैं इसकी निकाल रही हूँ साइडों में से नीचे तक जितनी, और ये रूट्स मुझे फील हो रही हैं, ये आप लोगों को शायद दिखे ना दिखे, मगर मुझे फील हो रही है कि जब मैं स्पेड डाल रही हूँ तो रूट्स टूट रही है। ये देखें, ये रही रूट्स निकली हुई। तो क्योंकि मैंने इसी पॉट में रखना है, दूसरी ऑप्शन है कि मैं इसको रिपॉट करूँ और बड़े पॉट में लगाऊँ, लेकिन मैंने बड़े पॉट में नहीं लगाना, तो बेसिकली ये रूट प्रून टाइप का कर रही हूँ मैं। ये देखे नीचे से रूट्स दिख रही हैं, ये साइडों से मेन इसको स्टेम के नहीं हाथ लगा रही, साइड से जितना ज़्यादा मैं साइड से निकाल सकती हूँ मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए इसमें ये अर्थवर्म्स निकल रहे हैं, इनको मैं इसी में रहने दूंगी, ये अपना काम करते रहे नीचे। और थिक्स वाली थिक रूट्स मैंने नहीं निकाली, मगर ये बारीक वाली सारी मैं साइडों से तोड़ के कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट हो गया, ये शैडो में अगर सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ये मैंने चारों तरफ से बीच की रूट को छोड़ के ये मैंने कर दिया। ये देखिए सन आ रहा था तो शायद नहीं है, तो अभी मैंने अपने शेड से ये सिर्फ बीच की रूट बॉल है और अराउंड 50% से भी ज़्यादा पॉट एम्प्टी कर चुकी हूँ। इसमें अब मैं ये डाल रही हूँ, ये मैंने कंपोस्ट बनने रखी थी। राइस हस्क को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंपोस्ट होने में, तो बाकी मेरी खाद बन चुकी है, मगर राइस हस्क इसमें नहीं हुआ, तो वो बेसिकली इससे मैं फिल आउट कर रही हूँ सारा। ये थोड़ी वेट भी है क्योंकि मुझे ड्राई करने का टाइम नहीं लगा, ड्रम्स में बनती है, लेकिन कंपोस्ट पूरी रह रही है, सिवाय राइस हस्क के आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर नज़र नहीं आ रही होगी। ये मैं इससे साइडों में इसको फिल आउट कर दूंगी। धूप की वजह से इतना देख नहीं रहा, मैं फिल आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कंपोस्ट से अपने फिल कर दिया और अब इसको जो मैं इसकी अपनी मैंने पुरानी सोयल निकाली थी उसी से वापस कवर कर दूंगी और कुछ भी नहीं। अच्छा, क्यों किया मैंने ये, जब हम ये रूट प्रून करते हैं तो बेसिकली रूट्स जब दोबारा ग्रो करेंगी तो इट मींस उसी ग्रोथ होएगी, ठीक है। उसी पॉट में आपने वही प्लांट रखा है, मेन रूट को आपने हाथ नहीं लगाया,
आपने छोटी वाली रूट्स को प्रून कर दिया और वो ही दोबारा ग्रो करेंगी और प्लांट आपका उसी पॉट में, और आप रख सकते हैं 6 महीने साल डिपेंडिंग कि कितनी उसकी ग्रोथ होती है। मैंने जितना इसको ज़्यादा किया है तो ये 1 साल और इसमें निकाल लेगा। कोई सवाल पूछना हो, एनीथिंग एल्स, मैं आपको इसकी अपडेट भी इंशाल्लाह ताला दूंगी तो बता होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।